प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार सत्ता संभाले 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिन शेयर बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। अर्थव्यवस्था में मंदी का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है। शुरुआती 100 दिनों में निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सत्ता संभाली थी, तब से अब तक निवेशकों का 14 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। हालांकि पिछले 30 दिनों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन अभी इन फैसलों का असर दिखना शुरू नहीं हुआ है। ग्लोबल मंदी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 30 मई से अब तक सिर्फ 14% कंपनी के शेयर ही निवेशकों को रिटर्न दे पाए हैं। BSE पर लिस्टेड 2290 कंपनियों का मार्केट कैप 96% तक घट चुका है। 422 कंपनियों के शेयर की कीमत 40% तक कम हुई है। 1371 कंपनियों के शेयर का भाव 20% तक घटा है। 1872 कंपनियों के शेयर का भाव 10% तक गिर चुका है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल अब तक अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। इस दौरान ऑटो सेक्टर की बिक्री 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि देश की GDP ग्रोथ 6 साल में सबसे कम है। FMCG, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल जैसे बड़े सेक्टर का हाल भी अच्छा नहीं है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में सभी कंपनियों के शेयर गिरे हों। इस दौरान कुछ कंपनियों के शेयर की वैल्यू में इजाफा भी देखने को मिला है। HDFC AMC का शेयर जो 30 मई को 1757 रुपए का था, वो 6 सितंबर को बढ़कर 2610 रुपए का हो गया, यानी शेयर की वैल्यू में 48% का इजाफा हुआ है। ऐसे में रिलायंस निपॉन का शेयर जो 30 मई को 220 रुपए का था, वो 6 सितंबर को बढ़कर 283 रुपए का हो गया, यानी शेयर की वैल्यू में 28% की बढ़ोतरी हुई। जेडुस वेलनेस का शेयर 30 मई को 1334 का था, जो 6 सितंबर को बढ़कर 1677 रुपए का हो गया। अपोलो हॉस्पिटल का शेयर 30 मई को 1204 रुपए का था, जो 6 सितंबर को बढ़कर 1496 रुपए पर बंद हुआ। एबॉट इंडिया का शेयर 30 मई को 7826 रुपए का था, जो 6 सितंबर को 9705 रुपए पर बंद हुआ, यानी शेयर में 24% का इजाफा हो गया। मोदी सरकार के बजट और कई बड़ी घोषणाओं का बाजार के सेंटीमेंट्स को बिगाड़ने का काम किया। इस वजह से मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में सेंसेक्स 7% तक टूटा, जबकि निफ्टी 8% गिरा। इस दौरान सबसे ज्यादा पिटा सरकारी बैंक का शेयर। सरकारी बैंक के शेयर की वैल्यू 25% तक गिर गई। रुपए में गिरावट का भी असर बैंकिंग शेयर पर पड़ा, लेकिन रुपए की गिरावट की वजह से IT कंपनियों को फायदा हुआ। निवेशकों में रुपए की गिरावट का फायदा उठाने के लिए बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकालकर IT शेयरों में निवेश किया। मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 31,700 करोड़ रुपए की पूंजी शेयर बाजार से निकाली। मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, HSIL सबसे ऊपर है। HSIL के एक शेयर का भाव 30 मई को 288 रुपए था, ये 6 सितंबर को 47 रुपए पर आ गया, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू करीब 83% टूट गई। CCD का शेयर जो 30 मई को 253 रुपए था, वो 6 सितंबर को 61 रुपए का हो गया। CCD के शेयर की वैल्यू 76% गिर चुकी है। जेट एयरवेज का शेयर 30 मई को 150 रुपए का था, 6 सितंबर को 38.80 रुपए पर आ गया। रिलायंस कैपिटल का शेयर 30 मई को 130 रुपए पे था, जो 6 सितंबर को 35 रुपए पर आ गया। CG पावर का शेयर 30 मई को 36.30 रुपए का था, जो 6 सितंबर को 12.63 रुपए पर आ गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिन भारतीय कंपनियों के लिए अच्छे नहीं रहे। हालांकि बाजार के सेंटीमेंट्स को सुधारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि FPIS पर सरचार्ज लगाने का फैसला वापस ले लिया, सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर 4 बड़े बैंक बनेंगे। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार ने बड़े फैसले तो ले लिए, लेकिन इनका असर दिखने में अभी समय लगेगा।